गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स होप यू ऑल आर डूइंग वेल सो टूडे आई एम डिस्कसिंग योर वर्कशीट नंबर वन जीरो वन वन हंड्रेड वन दिस इज योर इंग्लिश वर्कशीट ऑफ क्लास फोर एंड द डेट इज थर्टी अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी दिस वर्कशीट इज टेकन फ्रॉम योर मेरी गोल्ड बुक यूनिट फाइव डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क पोएम ओके दिस इज द पोएम डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क इससे ये आपकी वो जो पोयम है वो ली गई है तो आइए शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर वन जीरो वन आपको वर्कशीट शुरू करने से पहले आपकी क्लास सेक्शन आपका नाम और आपके टीचर का नाम लिखना है सो कैन वी स्टार्ट लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स लेट्स हेल्प राधिका टू चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड टू कंप्लीट देंटेंसेज गिवन बिलो राइट द करेक्ट वर्ड इन द ब्लैंक्स वर्ड्स लाइक आई एंड आई हैव द सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग कैन यू

एंड दिस आई मीन्स आँख तो अब राधिका को करेक्ट पिक्चर्स देख कर ये भरनी है तो आप इस पिक्चर की हेल्प भी ले सकते हैं और उनको फिल करा सकते हैं चलिए लेट्स हेल्प लेट्स ट्राई बिफोर डूइंग दिस मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका बोलने का जो साउंड होता है प्रोनान्िएशन होती है वो हमें सिमिलर लगती है पर उसकी स्पेलिंग और उसका मीनिंग दोनों डिफरेंट होते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आपको फोर एफ ओ आर एफ ओ यू आर इस फोर का मतलब होता है किसी के लिए यूज़ करते के लिए ठीक है और इस फोर का मीनिंग है चार हम जब बोलते हैं तो दोनों फोर लगते हैं बट स्पेलिंग और प्रोनंसिएशन प्रोनंसिएशन सेम लगती है बट स्पेलिंग और मीनिंग दोनों के डिफरेंट है तो इन वर्ड्स को हम इंग्लिश में होमोफोन्स कहते हैं ओके okay? सो so, इसमें भी हम वही डिस्कस कर रहे हैं तो हम स्टार्ट करते हैं डैश एम राधिका ये लड़की है तो यहाँ पर आई वाला आएगा आई एम राधिका आई हैव डैश ईयर ओल्ड आई एम डैश ईयर ओल्ड तो यहाँ पर क्या लिखा है दिस इज नंबर फोर तो हम स्पेलिंग में लिखेंगे एफ ओ यू आर फोर आई लिव नियर आई लिव नियर द सी इस सी में मतलब होता है देखना और इसका मतलब है समुद्र तो हमें पिक्चर में क्या दिख रहा है समुद्र माई फादर इज एन ये क्या दिख रही है आंख यानी कि आई स्पेशलिस्ट आंखों के डॉक्टर है द डैश इज सो ब्राइट टूडे क्या दिख रहा है ये सन दिख रहा है तो ये सूरज वाला सन है एस यू एन लास्ट वीक आई डैश आ हॉर्स ऑन द बीच तो लास्ट वीक मैंने घोड़े की सवारी की तो रोड आर ओ डी ई क्योंकि इस रोड का मतलब होता है सड़क ठीक है तो so, करेक्ट होगा आपका आई एम राधिका आई एम फोर ईयर्स ओल्ड आई लिव नियर द सी माई फादर इज एंड आई स्पेशलिस्ट द सन इज सो ब्राइट टुडे लास्ट वीक आई रोड

इट हैज डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट स्पेलिंग ऑल्सो सो ये हमें क्या बता रहे हैं सम वर्ड्स साउंड्स द सेम वैन दे वैन यू सेम अलाउड बट दे आर स्पेल डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट मीनिंग दीज वर्ड्स आर नॉन एज होमोफोन्स कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि बोलने में एक जैसे लगते हैं पर उनकी स्पेलिंग और उनका मीनिंग डिफरेंट होता है उन्हें हम होमोफोन्स कहते हैं होमोफोन्स कहते हैं फॉर एग्जाम्पल एट एट इस एट का मतलब है खाना इसका मतलब है आर्ट टीयर टीयर इस टीयर का मतलब है आंसू और इस टीयर का मतलब है फाड़ना ठीक है सो लुक एट दी सेंटेंसेस गिवन बिलो केयरफुली आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स वन हैज बीन डन फॉर यू टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर अब हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स सही से फिल करने है सो लेट्स स्टार्ट टेक दीज फोर पेन्स दे आर फॉर यू ये दो पेन ये चार पेन लीजिए चार पेन आपके लिए आई डैश डिनर एट एट अबाउट डैश ओ क्लॉक दिस एट मीन्स नंबर यानी कि हम एट ओ क्लॉक पर क्या खाना खाते हैं खाना खाते हैं इस एट का मतलब है खाना खाना आई वॉन्ट डैश बाय डैश ऑफ दीस चॉकलेट्स आई वॉन्ट टू बाय टू ऑफ दीज चॉकलेट्स मैं दो चॉकलेट्स खरीदना चाहती हूँ प्लीज़ डैश फॉर मी टिल आई चेक माई डैश प्लीज़ वेट फॉर मी टिल आई वेट माई चेक माई वेट इस वेट का मतलब है वजन जो मैं अभी लिख रही हूँ इसका मतलब है वजन और इसका मतलब है इंतज़ार करना ठीक है डू यू डैश विद योर डैश हैंड डू यू राइट विद योर राइट हैंड राइट मीन्स यहाँ पर डब्ल्यू आर आई टी ई वाला राइट आएगा यानी कि लिखने वाला और यहाँ पर राइट आएगा आर आई जी एच टी इट मीन्स सही वाला या सीधे हाथ से क्या आप सीधे हाथ क्या आप अपने सीधे हाथ से लिख सकते हैं या क्या आप अपने सीधे हाथ से लिखते हो ठीक है तो आई एट डिनर एट अबाउट एट ओ क्लाक आई वॉन्ट टू बाय टू ऑफ दीज चॉकलेट्स प्लीज वेट फॉर मी टिल आई चेक माई वेट Do you write with your right hand? Okay, so I hope this worksheet helped you. If it is helpful for you, please like it, share with your friends, and subscribe my channel and show your support. Thank you.